दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, लखनऊ के खिलाफ मुंबई की टीम को मिली हार के बाद बौखलाउट है। भारतीय दिग्गज रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को फटकार लगाते हुए दे दिया सनसनी मचा देने वाला बयान। जी हाँ दोस्तों, मुंबई और लखनऊ के बीच खेले गए रोमांचक मैच में मुंबई की टीम को मिली हार के बाद भारतीय दिग्गज भड़क उठे हैं। इस बीच सुनील गावस्कर, हरभजन सिंह से लेकर गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग ने रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को फटकार लगाते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन कर पाना मुश्किल होगा। तो आखिरकार मुंबई की हार पर भारतीय दिग्गजों ने क्या कहा, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह में से कौन है टीम का सबसे बेहतर खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, लखनऊ और मुंबई के बीच लखनऊ के घरेलू मैदान पर रोमांचक मैच खेला गया जिसमें लखनऊ की टीम ने जीत दर्ज की। इसका पीछा करते हुए लखनऊ की टीम 19 मैच में मैच को जीत गई। हालांकि इस मैच में मुंबई की हार की ज्यादा चर्चा थी क्योंकि रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या तीनों ने सभी को निराश किया। इस बीच रोहित शर्मा 4, सूर्य कुमार यादव 10 और हार्दिक पांड्या बिना खाता खोले पवेलियन को लौट गए और तीनों खिलाड़ी भारतीय वर्ल्ड कप टीम में भी मौजूद हैं, जिसको देखकर भारतीय दिग्गज बौखलाउट हैं और उन्होंने हैरान कर देने वाला बड़ा बयान जारी कर दिया जिसमें सुनील गावस्कर ने बयान देते हुए कहा है कि मुंबई की टीम को इस मैच के अंदर मिली हार के बाद मैं काफी ज्यादा निराश हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई की टीम को इस मैच में जीत दर्ज करनी चाहिए थी, लेकिन मुंबई की टीम के खिलाड़ियों ने इस मैच में सभी को हैरान कर दिया और बता दिया कि उनकी टीम के पास जीत दर्ज करने की काबिलियत फिलहाल की स्थिति में नहीं है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ये तीनों खिलाड़ी मुंबई की टीम के लिए खराब प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए हैं। अगर इनका इसी तरीके का प्रदर्शन आगे भी जारी रहा तो पता नहीं कैसे भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप में जीत दर्ज करने का मौका मिल पाएगा क्योंकि ये तीनों भारतीय टीम के हिस्सा हैं। तो वहीं हरभजन सिंह ने बयान देते हुए कहा है कि मुंबई की टीम के पास काफी ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन जिस प्रकार से इस समय मुंबई की टीम का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है वो वास्तव में काफी ज्यादा होश उड़ा देने वाला है। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि मुंबई की टीम इतना ज्यादा किस तरीके से खराब प्रदर्शन कर सकती है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इस मैच के अंदर रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव तीनों के ऊपर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन तीनों ने इस मैच के अंदर खराब प्रदर्शन किया। अगर इसी तरीके से इन तीनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन आगे भी जारी रहा तो ये भारतीय टीम के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होगा क्योंकि ये तीनों वर्ल्ड कप टीम में भारत से खेलेंगे। तो वहीं गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कहा है कि लखनऊ की टीम के खिलाफ मुंबई की टीम को जीत दर्ज करने की जरूरत थी, लेकिन जिस प्रकार से मुंबई की टीम के खिलाड़ियों ने इस मैच में सभी को निराश किया है वो बताता है कि मुंबई की टीम के पास इस समय बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद रहे हैं। हालांकि मुंबई की टीम के पास सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन इस समय किसी भी बेहतर टीम के मुकाबले दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ये तीनों खिलाड़ी मुंबई की टीम के साथ साथ भारतीय टीम के लिए वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं। ऐसे में अगर इन खिलाड़ियों का ऐसा ही प्रदर्शन चला तो पता नहीं कैसे भारतीय टीम इस बार T20 वर्ल्ड कप जीत पाएगी। तो वहीं वीरेंद्र सहवाग ने बयान देते हुए कहा है कि मुंबई की टीम को इस मैच के अंदर मिली हार के बाद मैं काफी ज्यादा निराश हूं क्योंकि मुंबई की टीम के पास काफी ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी मौजूद हैं। हालांकि मुंबई की टीम के पास रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ जसप्रीत बुमराह का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है जो भारतीय टीम के लिए भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन इनके अलावा तीनों को अब प्रदर्शन काफी ज्यादा खराब तरीके से देखने को मिल रहा है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि तीनों खिलाड़ी अगर इसी तरीके से खराब प्रदर्शन करते रहे तो मुझे नहीं लगता कि भारत को इस बार T20 वर्ल्ड कप जीतने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मैच में मुंबई की टीम की हार का मुख्य कारण क्या रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।